एक ड्रग माफिया के चंगुल में 9 साल जबरदस्ती रहने के बाद यंग सराई उसके चंगुल से भाग जाती है, और वो भी एक ऐसे आदमी की कार में जो काफी खतरनाक सुपारी किलर है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शकीरा फिल्म्स। आज की फिल्म का नाम है किलिंग सराई, जो 2019 में आई एक रोमांटिक हॉलीवुड फिल्म है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल शकीरा फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मूवी की शुरुआत में हम विक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक सीरियल किलर है। उसने पैसों के लिए बहुत सारे लोगों की जान ली है, और आज वो अपने शहर के सबसे बड़े माफिया डीलर और गैंगस्टर के साथ एक मीटिंग करने आया है। इस गैंगस्टर का नाम जेवियर था। दोनों एक दूसरे की प्राइस को नेगोशिएट करने लगते हैं। तभी जेवियर का एक आदमी विक्टर को शूट करने के लिए गन उठाता है, लेकिन विक्टर पहले से ही सावधान था, तो वो उस आदमी को शूट कर देता है। जेवियर को ये देखकर अच्छा लगता है कि उसने एक सही आदमी के साथ सौदा किया है। जेवियर के साथ सराई नाम की एक लड़की काम करती थी। जब वो 14 साल की थी, तभी उसकी मदर ने जेवियर को बेच दिया था, और तभी से वो उसके साथ एक कैदी जैसी जिंदगी जी रही थी। विक्टर को देखकर वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, और अपने साथ अपनी फ्रेंड लीडिया को भी चलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है, तो वो वहाँ से अकेले ही भागने का प्लान करती है। डील कम्प्लीट होते ही विक्टर अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसके पीछे एक गन पॉइंट होता है, जो सराई ने किया था। सराई विक्टर से अपने आप को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए कहती है, उसे बॉर्डर क्रॉस करना था। विक्टर बिना कुछ सोचे समझे कार ड्राइव करने लगता है। सराई उससे कहती है कि तुम्हें जेवियर के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी। वो लोगों से अपना काम तो करा लेता है, लेकिन उनको पैसे नहीं देता, और बाद में उन लोगों को मार देता है। इधर जेवियर को पता चलता है कि सराई वहां से भाग चुकी है। उसे डाउट होता है कि वो जरूर विक्टर के कार में ही भागी होगी, और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आती है। विक्टर ने बड़ी चालाकी से सराई को बेहोश कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टर ने सराई के हाथ पांव बांध दिए थे और उसे बाथटब में सुला दिया था। थोड़ी देर में वो उसके पास आता है और उसके हाथ पर खोल देता है, और उसे बाथरूम में रहने के लिए ही कहता है, क्योंकि बाहर सराई को ढूंढने के लिए जेवियर की सिस्टर समांथा अपने लोगों के साथ आई हुई थी। समांथा विक्टर को जान से मारने की धमकी देती है, और उसके गार्ड्स भी उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन विक्टर सबको मार देता है और समांथा को समझाने की कोशिश करता है कि सराई को छोड़ दें। बातों बातों में समांथा विक्टर को कुछ गलत बोल देती है, तो वो गुस्से में आकर उसके पैर पर शूट कर देता है और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर्द हो या औरत, तुम मुझे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकती। इसके बाद से विक्टर सराई को बाथरूम से बाहर बुलाता है और समांथा को चेयर पर बांधने के लिए कहता है, और इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वो दोनों पेट्रोल पंप पे कुछ खाने के लिए रुकते हैं। कुछ अनजान लोग उनका पीछा कर रहे थे। विक्टर को डाउट हो जाता है कि ये जरूर जेवियर के ही आदमी होंगे। वो उन लोगों को शूट कर देता है और सराई को अपने घर लेकर जाता है। घर पर वो निकलस नाम के एक आदमी से बात करता है, जो कि उसके भाई की तरह ही था। उनकी बातों से पता चलता है कि विक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियल किलिंग का काम करता था। विक्टर जेवियर के पास उस्मान के मर्डर के डिस्कशन के लिए गया था, लेकिन उसका मेन मकसद ये था कि वो वहां से उस्मान की सिस्टर को छुड़ा कर लाएगा, जिसे जेवियर ने किडनैप करके रखा था। उस ऑर्गेनाइजेशन ने विक्टर को यही काम सौंपा था। निकलस विक्टर को एक वीडियो भेजता है, जो जेवियर ने भेजा था, जिसमें वो सराई की फ्रेंड लीडिया को टॉर्चर कर रहा था। सराई के आने पर विक्टर लैपटॉप बंद कर देता है। जब वो उस वीडियो के बारे में पूछती है, तो वो उसके हाथ बांध देता है और वहां से चला जाता है। रात में सराई गन पॉइंट पर विक्टर से उसके लैपटॉप का पासवर्ड पूछती है, और विक्टर के ना चाहने पर भी वो वीडियो देख लेती है। उसे इस बात का काफी दुख होता है कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड लीडिया को टॉर्चर किया जा रहा है। अगले दिन जेवियर विक्टर को कॉल करके एक डील करता है कि वो उस्मान की सिस्टर और लीडिया को विक्टर के हवाले कर देगा, लेकिन बदले में वो उसे सराई लौटा दे। विक्टर सराई को ये बात बताता नहीं है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। सराई खुद विक्टर से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड को इस हालत में नहीं देख सकती है, और इसीलिए वो जेवियर के पास वापस जाना चाहती है। विक्टर भी इस बात के लिए मान जाता है। वो दोनों डील वाली जगह पर पहुंचते हैं। विक्टर सराई से पूछता है कि जेवियर के लिए तुम इतनी जरूरी क्यों हो, वो तुम्हें जाने क्यों नहीं देता है। सराई कहती है कि उसके सारे इलीगल डील्स में मैं उसके साथ थी, उसके सारे ऑपरेशंस और ब्लैक मनी के बारे में मुझे पता है। वो डरता है कि अगर मैं उसके चंगुल से छूट गई तो उसके सारे डिटेल्स और सीक्रेट मैं उसके दुश्मनों को बता दूंगी, और इसी वजह से वो मुझे जाने नहीं देता है। ये डील करने के लिए विक्टर के साथ निकलस भी आया था। वो तीनों एक वीरान पड़ी ओपन फैक्ट्री में जाते हैं। विक्टर सराई और निकलस को गाड़ी में रहने के लिए कहता है, और कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं बाहर नहीं आना है, और खुद जाकर दूसरी कार में बैठ जाता है। निकलस सराई से पूछता है कि क्या तुम्हें विक्टर पसंद करता है, लेकिन सराई कहती है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। निकलस उससे ये बात इसलिए पूछ रहा था क्योंकि विक्टर कभी किसी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है। ये डील करने के लिए समांथा आती है। विक्टर उससे पूछता है कि जेवियर क्यों नहीं आया। समांथा कहती है कि उसने मुझे ही भेजा है। इसके बाद समांथा उस्मान के सिस्टर और लीडिया को रिलीज करती है, और विक्टर भी निकलस को इशारा करता है सराई को लाने के लिए। तीनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी विक्टर बीच में शूट करने लगता है, और इसके बाद वहां पर काफी गोलीबारी होती है, और विक्टर बड़े ही चालाकी से समांथा के सारे लोगों को मार देता है। लीडिया को देखकर सराई रोने लगती है, और विक्टर उस्मान की सिस्टर को कार में बिठा देता है। सबको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन तभी समांथा उठती है और लीडिया को शूट कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
विक्टर भी बिना देरी किए सेमांथा को शूट कर देता है। सराई लिडिया के लिए काफी रो रही थी तो विक्टर उसे वहां से लेकर चला जाता है। रास्ते में निकलस विक्टर से पूछता है कि तुमने अंत में प्लान क्यों चेंज किया, लेकिन विक्टर उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और निकलस विक्टर की इस हरकत से काफी गुस्सा था। विक्टर सराई को अपने प्राइवेट जेट में लेकर जाता है और वहां पर उसे एक न्यू पासपोर्ट देता है और कहता है कि आज के बाद से तुम अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सकती हो। अब से तुम्हारा नाम सराई नहीं बल्कि इजाबेल होगा। हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड इजेल तुम्हारा ख्याल रखेगी। इसके बाद से वो उसे एक बहुत बड़े मेंशन पर लेकर जाता है जहाँ पर इजेल मिलती है। विक्टर को सराई अच्छी लगी थी और इसीलिए वो उसे बचाना चाहता था। सराई को भी विक्टर अब अच्छा लगने लगता है। वो उसे इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बताती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है और जेवियर को मारने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह इजेल सराई से बात कर रही थी तभी जेवियर वहां पर पहुंच जाता है। इजेल बड़ी ही चालाकी से सराई को एक सीक्रेट प्लेस पे छुपा देती है। जेवियर इजेल से पूछता है कि सराई कहाँ है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है तो वो उसे शूट कर देता है। इसके बाद से वो चिल्लाकर सराई से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारी फ्रेंड लिडिया की तरह ही इसे टॉर्चर करूंगा। सराई कैमरे के जरिए ये सारी चीजें देख रही थी। जेवियर इजेल को टॉर्चर करना शुरू करता है। सराई ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बाहर निकल आती है। विक्टर को भी आइडिया हो गया था कि जेवियर उसके पीछे पीछे जरूर आएगा इसीलिए वो अपनी फ्लाइट छोड़कर मेंशन पर वापस आ जाता है। जेवियर ने सराई के ऊपर गन पॉइंट करके रखा था और विक्टर जेवियर के एक एक आदमी को शूट करते हुए अंदर जाता है। इतनी देर में जेवियर रिजल को मार देता है और वो सराई को भी शूट करने वाला होता है। तभी सराई उसी की गन से उसे शूट कर देती है। विक्टर जब अंदर आता है तो देखता है कि जेवियर की मौत हो चुकी है। वो डरी हुई सराई को सहारा देता है। इसके बाद विक्टर चर्च में होता है तो वहीं पर निकलस भी आता है और विक्टर से पूछता है कि तुम कब से लोगों को मारने के लिए सॉरी बोलने लगे। विक्टर कहता है कि मैं माफी नहीं मांग रहा, मेरे फादर को तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो तुम्हें मार देते लेकिन मैं बीच में आ गया और मैंने अपने फादर को मार दिया। ये मेरा पहला मर्डर था और ये सब मैंने अपनी फ्रेंडशिप के लिए किया था। निकलस को समझ में नहीं आता है कि आखिर विक्टर ये सब बातें क्यों कह रहा है। इतने में विक्टर उस पे गन पॉइंट कर देता है और उसे पूछता है कि तुमने जेवियर को मेंशन का एड्रेस क्यों दिया। उसे लग रहा था कि निकलस जेवियर के लिए काम करता है और उसके फ्रेंड ने ही उसे धोखा दिया है। निकलस विक्टर से कहता है कि ऐसा कुछ भी करने से पहले मैं सुसाइड कर लूंगा और वो सारा इल्जाम सराई के ऊपर डाल देता है। इसके बाद से विक्टर सराई को एक कमरे में ले जाता है और वहां पर उसे कपड़े निकालने के लिए कहता है। विक्टर को याद आता है कि जेवियर अपनी लड़कियों की बॉडी में एक चिप फिट करता है जिसकी वजह से वो जहां भी जाएंगी वो उन्हें ट्रेस कर लेगा और सराई के गले में उसे वो चिप मिल जाती है जिसे वो एक चाकू की मदद से निकाल देता है। उसे ये चिप कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। निकलस कहता है कि हो सकता है जेवियर लड़कियों के प्रोस्टिट्यूशन में भी शामिल हो। इसके बाद से विक्टर सराई को अपने घर पर लेकर जाता है और कहता है कि अब तुम फ्री हो, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। सराई कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहती हूँ, तुम चाहो तो मुझे अपने मिशन पर भी लेकर जा सकते हो। लेकिन विक्टर मना कर देता है, कहता है कि ये सब संभव नहीं है, मेरे काम में बहुत रिस्क है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी जैसी बनो। इसके बाद से वो उसे सोने के लिए कहता है। रात में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। सराई को याद आता है कि कैसे जेवियर उसको फोर्सफुली हैरेस करता था। इसके बाद अगले दिन विक्टर को एक मिशन पे जाना होता है तो वो सराई से कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो लेकिन एक बात का जरूर ध्यान देना, तुम्हारा नाम इजाबेल होगा। वो सराई को दिखाना चाहता था कि उसके काम में कितना रिस्क है। उसे लग रहा था कि उसका खतरनाक मिशन देखकर सराई उसे खुद छोड़कर चली जाएगी। वो दोनों एक प्राइवेट जेट में होते हैं जहाँ पर विक्टर सराई को एक फोटो दिखाता है और इसका नाम आर्थर हैम्बर्ग है, हमारा मिशन भी इसी के साथ है और ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। सराई पूछती है कि इस आदमी तक हम कैसे पहुंचेंगे। विक्टर कहता है कि वो एक पार्टी में आने वाला है और उसी पार्टी में हम दोनों भी इन्वाइटेड है। इसके बाद से वो दोनों शहर में पहुंचते हैं और इसके बाद वो पार्टी में पहुंचते हैं। आर्थर भी अपने लोगों के साथ पार्टी में पहुंचा हुआ था। विक्टर और सराई उसका ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर उसके सामने आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आर्थर उन दोनों को नोटिस करता है और अपने एक आदमी के जरिए उन दोनों को अपने पास बुलाता है। वो उन दोनों को अपने सामने ही फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए कहता है और इस डील के लिए विक्टर मान जाता है। इसके बाद वो दोनों को एक रूम में लेकर जाता है। वो इस काम के लिए विक्टर को बहुत सारा पैसा देने वाला था। सराई कहती है कि मैं इसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। विक्टर कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो तुम करोगी। इसके बाद सराई ये सब करने के लिए राजी हो जाती है। वो आर्थर के सामने एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आर्थर जो कुछ भी विक्टर को करने के लिए कहता विक्टर वैसा ही करता। इसके बाद से वो विक्टर से कहता है क्या तुम मेरी बीवी के साथ ये सब कर सकते हो। विक्टर कहता है कि ये सब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। इसके बाद से वो उन दोनों को अपनी बीवी के कमरे में लेकर जाता है जो एक बेड पर लेटी हुई थी और उसकी तबीयत काफी खराब थी। विक्टर आर्थर पे हमला कर देता है जिससे वो काफी डर जाता है। विक्टर सराई को ड्रॉअर से एक लेटर निकालकर पढ़ने को कहता है। उसे पहले से ही पता था कि यहाँ पर एक लेटर होने वाला है क्योंकि आर्थर की वाइफ ने विक्टर को एक लेटर के जरिए सब कुछ बता रखा था कि कैसे आर्थर उसे टॉर्चर करता है। इस लेटर में आर्थर की ब्लैक मार्केट, बैंक डिटेल्स और भी सारे दूसरे काले कारनामे थे
इसके बाद विक्टर आर्थर की वाइफ के पास जाता है और उसे शूट करने वाला होता है। आर्थर विक्टर को कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसकी बीवी को शूट कर देता है। इस बात से आर्थर काफी दुखी हो जाता है। जाते वक्त विक्टर आर्थर से कहता है कि तुम मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा सारा डिटेल मैं FBI को बता दूंगा। तुम अपनी बीवी की डेथ की कोई भी फेक स्टोरी बना सकते हो, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। इसके बाद से वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सरई विक्टर से पूछती है कि तुमने एक इनोसेंट को क्यों मारा। विक्टर कहता है कि एक समय पर आर्थर और उसकी वाइफ दोनों मिलकर इलीगल काम किया करते थे, और जब उसकी वाइफ ने ये सारे काम छोड़ने के लिए मन बनाया तो आर्थर ने जबरदस्ती उसे एक ड्रग एडिक्ट बना दिया। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, उसे इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए थी, और वो खुद चाहती थी कि उसे कोई जान से मार डाले, और इसीलिए उसने खुद विक्टर को अपने आप को मारने के लिए हायर किया हुआ था। अगले दिन निकोलस विक्टर को कॉल करता है और उसे उसके अगले मिशन के बारे में बताता है। विक्टर सुबह सुबह ही वहां से निकल जाता है। सरई जब जगती है तो उसके पास निकोलस होता है, जो उस पर गन पॉइंट कर लेता है। वो उसे कहता है कि विक्टर ने तुम्हारे लिए जो भी किया है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को उस पर ट्रस्ट नहीं है। विक्टर अपने सारे काम अब अपनी मर्जी से करने लगा है और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो उसे मारने ही वाला होता है तभी वहां पर विक्टर आ जाता है, क्योंकि उसे निकोलस पे डाउट हो गया था। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। विक्टर निकोलस को गन से शूट करने वाला होता है, लेकिन सरई उसे बीच में ही रोक लेती है। निकोलस ने सरई को पहले ही एक बुलेट से घायल कर दिया था। विक्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। 3 दिन बाद जब सरई को होश आता है तो विक्टर रियलाइज करता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि वो उसके साथ सेफ नहीं है। इसके बाद वो उसे छोड़कर चला जाता है। अब 1 साल बीत चुका है और सरई एक मिशन पे है, क्योंकि वो भी ट्रेनिंग लेकर एक पेड सीरियल किलर बन चुकी थी। जिस होटल में विक्टर का मिशन था उसी होटल में वो भी जाती है। विक्टर को लगता था कि सरई खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन अब उसकी ये सोच बदल चुकी थी। फाइनली दोनों अब एक दूसरे से मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल शकीरा फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।